देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्लोर, जो हेनरी फ्लोर हैं उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए हैं कि किस प्रकार से किसी भी सिचुएशंस को हम मैनेज करें जिससे जो भी वर्क है उसकी जो अचीवमेंट है वो सक्सेसफुली हो सके, और जिस पर्पज के लिए हमने किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट किया है वो एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो सके, उसको हम अचीव कर सके। तो देखिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स and each individual should be assigned only one part of the work according to his ability and taste। देखिए हेनरी फ्लोर ने क्या कहा है कि हमारे बिजनेस का जो पूरा वर्क है उस पूरे वर्क को हमें पार्ट करने हैं, और क्या करना है, जब हम उसके पार्ट कर देते हैं तो पार्ट करने के बाद जो भी हमारे पास वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को उनकी एबिलिटी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो वर्क हमें प्रोवाइड करना है। जब हम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस काम को देंगे तो वो अपनी फुल कैपेसिटी से उस काम को करेंगे, नंबर वन। नंबर दो, जब एक ही वर्क को वो बार बार करेंगे तो उसके स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, और जब उसके स्पेशलिस्ट हो जाएंगे तो हमें सुपरवाइज की आवश्यकता नहीं होगी, टाइम भी कम लगेगा क्योंकि वो उस वर्क के एक्सपर्ट हो गए, वेस्टेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ मनी वेस्टेज ऑफ मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा, और जो वर्क है वो स्पीडली लो कॉस्ट पर आपका जो वर्क है वो मेंटेन होगा। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में जो वैल्यू की बेस क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, सपोज आपके यहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, और उस कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या हो रहा है कि एक जो मिस्त्री है मसाला भी वही बनाता है, ईंटे भी वही ले जाता है ऊपर, दीवार के मसाला ईंटों को भी वही लगाता है, तो अब पूरा वर्क एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो सुबह से शाम तक वो 50 ईंटें नहीं लगा पाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या होगा, एक वर्कर जो है मसाला बना रहा है, एक वर्कर ईंटें ले जाके दे रहा है, और मिस्त्री का काम क्या है, दीवार पर मसाला और ईंटें लगाना। अब वहां डिवाइड हो गया, तो हो सकता है सुबह से शाम तक वो 1000 ईंटें लगा के, एक व्यक्ति जब एक काम कर रहा था तो 50 ईंटें बड़ी मुश्किल से लगा पा रहा था, तो तीन व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 150 ईंटें बनी, लेकिन वो 1000 ईंटों का काम हो रहा है। तो ये किस वजह से हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क। तो हमें एक बड़े वर्क को छोटे वर्क छोटे छोटे पीसीज में वर्क को डिवाइड करना है, और वर्कर्स को बार बार उसी काम के लिए कहना है जिससे कि वो उसका एक्सपर्ट हो जाए, और विदाउट एनी हिंड्रेंस विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी उस काम को सक्सेसफुली मेंटेन कर सके। तो ये हेनरी फ्लोर ने डिवीजन ऑफ वर्क में बताया। दूसरा इसमें लिखा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेनरी फ्लोर ने क्या बताया, अगर हम अपने सबॉर्डिनेट से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उस काम के साथ हमें उसको अथॉरिटी देंगे तभी उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। मैंने आपको कहा कि एक बच्चे को क्लास में खड़ा कर दिया कि आपने क्लास को माइंड करवाना है, टीचर अभी आ रहा है, केवल इतना कह के चला गया, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उस बच्चे को डांट सकें
या उस बच्चे को क्लास से बाहर करने कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आप उसको माइंड नहीं करा सकते। जब एक टीचर अंदर आता है, टीचर आपको कहता है कि क्लास में आप खड़े हुए और शोर हो रहे, तो आपके पास तो कोई अथॉरिटी है नहीं, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको रिस्पॉन्सिबल तभी ठहराया जा सकता है कि जब आपको अथॉरिटी दी गई हो कि अगर कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो उसको क्लास से बाहर कर देना, और उसके बाद वो बच्चा अगर कि मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसके लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हेनरी फ्योर ने क्या बताया, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ होनी चाहिए। हम वर्कर्स से अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो अथॉरिटी के साथ साथ, यानी उसको उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी हम, अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो उसके लिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तीसरा इसमें पॉइंट आता है डिसिप्लिन। अब हेनरी फ्योर ने क्या कहा है कि हर वर्क जो है एक डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। हम कोई भी काम है, कहीं भी है, एक डिसिप्लिन वे में अगर उस काम को करते हैं तो हम उसको जल्दी भी कर पाएंगे और सक्सेसफुली मिनिमम टाइम में, विदाउट वेस्टेज ऑफ मटेरियल, विदाउट वेस्टेज ऑफ मनी, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे अगर हम उसको डिसिप्लिन मैनर में कर रहे हैं। और यदि हम उसको डिसिप्लिन मैनर में नहीं कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन यानी एक सिस्टम से नहीं कर रहे हैं उसको, तो हम उसकी अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। इसलिए हेनरी फ्योर ने क्या कहा है कि जो भी वर्क है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच जो भी वर्क है, तो एम्प्लॉइज को वो वर्क एक डिसिप्लिन मैनर में करना है जिससे कि वो उसको सक्सेसफुली अचीव कर सके। इसके बाद उन्होंने बताया कि आपका डिसिप्लिन यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ कमांड में क्या बताया है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ कमांड, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम एंड दैट एम्प्लॉइज शुड बी आंसरेबल ओनली टू द सुपीरियर। एक समय में एक बॉस के द्वारा एक ही ऑर्डर आपको मिलना चाहिए। अगर एक वर्कर को अलग अलग बॉस, अलग अलग सुपीरियर एक ही समय में, सेम समय में आपको अलग अलग ऑर्डर देंगे, तो आप किसी भी सुपीरियर के ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, मैंने आप हरीश को कहा कि हरीश आपको मतलब है ना प्लस वन साइंस के रूम में जाना है, उसी समय एक टीचर और आता है, वो कहता है हरीश इधर नहीं, इधर फिजिक्स लैब की तरफ जाना है। अब हरीश को दो कमांड मिल गई तो हरीश कहां जाएगा, ना प्लस वन साइंस के रूम में जा सकता है, ना फिजिक्स लैब में जा सकता है, तो वहां कंफ्यूज हो गया। तो हेनरी फ्योर ने क्या कहा है कि एक सुपीरियर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को एक समय में एक ही कमांड मिले जिससे कि वो उसको सक्सेसफुली पूरा कर सके और उनके वर्क में किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है। अब देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स There should be one head and one plan for a group of activity having to same object. Suppose an automobile company is manufacturing two product, namely scooter and cars. Hence, having two division, as each product has its own market and problem, therefore each division must have its own head. यानी उनके अलग अलग हेड होने चाहिए। एक स्कूटर मैन्युफैक्चर है, एक आपका कार मैन्युफैक्चर है, तो दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। आपको बताया था ना डिविजनल डिपार्टमेंट के बारे में बताया था, तो अलग अलग डिवीजन के अलग अलग हेड होने चाहिए जिससे कि वो फ्रीली उस काम को मेंटेन कर सके, फ्रीली अपने वर्कर्स को कि मतलब वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सके। अगर दोनों वर्क एक ही हेड के पास है तो ना वो इधर इंस्ट्रक्शन दे पाएगा ना उधर इंस्ट्रक्शन दे पाएगा, और अलग अलग जब डायरेक्शन हो जाएंगी या दो हेड के पास एक डिपार्टमेंट दे दें तो एक हेड अलग डायरेक्शन देगा, दूसरा हेड अलग डायरेक्शन देगा, तब भी एम्प्लॉइज कंफ्यूजन हो जाएंगे और वो उस डायरेक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो सेम समय में एक ही हेड के द्वारा एक प्लान के तहत, एक ऑब्जेक्ट के तहत डायरेक्शन जो है वो दी जानी चाहिए। अब इनके पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं।
पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला जैसे डिवीजन ऑफ वर्क बताया था, तो डिवीजन ऑफ वर्क में जब हम वर्क का डिवाइड कर देते हैं तो एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम कम हो जाता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम हो जाता है, एम्प्लॉइज उस वर्क का स्पेशलिस्ट हो जाता है, ठीक है, और विदाउट एनी हिंड्रेंस वो उस काम को पूरा कर देता है। ये डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव पॉइंट। अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट लेंगे कि हमने वर्क को डिवाइड नहीं किया तो इसी को उल्टा करेंगे कि ना तो वो एक्सपर्ट बनेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, वेस्टेज भी ज्यादा होगा, इसी को उल्टा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी भी वर्क को हमें करवाना है अपने सबॉर्डिनेट से तो हमने उसको अथॉरिटी देनी है। जैसे मान लीजिए आप मैनेजर हैं, आपने अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दिया कि जो आप सेल्स को इंक्रीज करेंगे 10% से 20% सेल्स इंक्रीज करनी है आपने, लेकिन सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपने कस्टमर को जो डिस्काउंट देना है उसकी अथॉरिटी आपके पास नहीं है, उसकी अथॉरिटी आपके पास नहीं है। जब उसकी अथॉरिटी आपके पास नहीं है तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर को डिस्काउंट देना था और वो डिस्काउंट आप नहीं दे पाए, इसलिए आप अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। तो हेनरी ने क्या कहा है कि हम रिस्पॉन्सिबल तभी ठहराएंगे जब उसके पास अथॉरिटी हो। अगर आपको अथॉरिटी दे दी जाए कि आप 10% डिस्काउंट भी दे सकते हैं और उसके बाद अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तीसरा पॉइंट जो आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया, तो डिसिप्लिन के जो पॉजिटिव पॉइंट है कि कोई भी वर्क अगर डिसिप्लिन वे में किया जाता है तो एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मैनेजमेंट और लेबर के बीच जो रिलेशंस है वो अच्छे होते हैं और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि डिसिप्लिन मैनर में कोई भी वर्क होगा उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, सेल्स इंक्रीज होगी और हमारी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और यदि डिसिप्लिन मैनर में नहीं है तो क्या होगा, ना तो रेपुटेशन इंक्रीज होगी, ना एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो एटमोसफेयर है वो सस्पेंस बना रहेगा उसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट। यूनिटी ऑफ कमांड जो है, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है पॉजिटिव पॉइंट कि अगर एक समय पर एक ही बॉस के द्वारा कमांड किया जाता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबॉर्डिनेट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, सुपीरियर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है और जो वर्किंग एटमोसफियर है वो भी बेटर बनेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो कंफ्यूज क्रिएट होगा वर्कर्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच, सबॉर्डिनेट और जो सुपीरियर है उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, सुपीरियर में ईगो क्रिएट होगी और किसने वर्क किया किसने नहीं किया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के जो पॉइंट है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जब एक मैनेजर के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है तो स्पेशलाइजेशन का फायदा होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिन ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है वो एग्जीक्यूटिव हम इजीली अचीव कर पाएंगे और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच जो यूनिटी है कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन रहेगा। और जहां कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा, जहां स्वीट रिलेशन में काम होंगे वो वर्क हमेशा सक्सेसफुल होगा और जो हमारा बिजनेस है ज्यादा से ज्यादा अपनी इमेज को बढ़ाएगा। इसी के वायलेट पॉइंट जो आते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो स्पेशलाइजेशन का जो एडवांटेजेस है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज नहीं होगी, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में डिफिकल्टी क्रिएट होगी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जब तक उनके बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं होगा, जब तक
किसी भी वर्क की सक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये इसके बारे में।